गाइस, तो आज की रेसिपी है मुगलाई स्टाइल मटन बिरयानी, या तो आप इसे मुस्लिम स्टाइल बिरयानी भी कह सकते हो। बहुत लजीज होती है, तो चलिए इसे फटाफट बनाते हैं। सबसे पहले हमें मैरिनेशन के लिए 1 kg मटन लिया है। उसमें हमें 1 कप दही डालना है और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच पूरा भर के नमक डालेंगे। आप नमक की क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जितना आप खाते हो। इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला डालना है। उसके बाद 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालना है। उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। आप रेड चिल्ली पाउडर की क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से जितनी आप खाते हो। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। इसे कम से कम 2-3 घंटों के लिए तो रखना ही है, अगर आप ज़्यादा देर रख सकते तो और बेटर है। अब हमें एक कुकर लेना है, उसमें 1 कप भर के तेल डालना है। फिर इसमें कम से कम 2 कप्स भर के प्याज डालेंगे फाइनली चॉप्ड। इसे अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। जब ये ऐसी दिखने लगे तो आप इसमें से थोड़ी सी प्याज अलग निकाल लें, बाद में यूज़ करेंगे इसे। हमने इसमें फिर उसके बाद पूरा मैरिनेटेड मटन डाल दिया था और अच्छे तरीके से 4-5 विसल्स तक इसे पका लिया था। सो यहाँ पे वीडियो शूट नहीं करी है मटन बनाने की, हमने इसे पहले से ही बना के रखा हुआ है ताकि आपको फटाफट दिखा सके। सो अब ये हमारी विसल्स कंप्लीट हो गई हैं। अब ये हम कुकर खोल लेंगे। हमारा मटन इस तरह दिखना चाहिए। आप इसे 1-2 बार चला के कोई भी पीस उठा के उसमें टूथपिक पोक करके देख लीजिए कि वो टेंडर हो गया है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आप 1-2 विसल्स तक इसे और पका सकते हैं। अगर हो गया है तो आपको और नहीं पकाना है इसे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा अच्छे से ये टेंडर हो चुका है, तो हम इसे और नहीं पकाएंगे। अब हमें वापस से गैस स्टोव ऑन करना है और इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। हमें इसमें कोई ग्रेवी नहीं चाहिए, बस ये अच्छे से भुना भुना मसालेदार होना चाहिए। इस तरीके से हम चला के इसे 5-10 मिनट्स के अंदर अंदर भून लेंगे। अब आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से पक चुका है, इसमें कोई भी ज़्यादा ग्रेवी नहीं बची है। अब हम इसमें थोड़ी सी पुदीना डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा मटन रेडी है। अब हमें एक बड़े से पॉट में पानी लेना है, उसका आधा तक कम से कम। इस पानी में हम 3 से 4 तेज़पत्ते डालेंगे, 5 से 6 हरी मिर्च कटी हुई, 2 टेबलस्पून नमक भर के, 2 से 3 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग डालेंगे और उतनी ही हम इलायची भी ले लेंगे। इन सबको हम इस पानी में डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से बॉईल होने तक ढककर रखेंगे। तो अब ये बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसमें स्टीम बन गई है। तो अब हम इसमें सारे चावल डालेंगे। हमने बासमती चावल पहले ही 1/2 घंटे पहले सोक करके रख लिए थे। आपको इसे कम से कम 1/2 घंटे तो सोक करके रखना है, उसके बाद आप सारे चावल इस पानी में डाल दें। ये 1 kg चावल हैं। आपको इन चावलों को सिर्फ 1 कन तक पकाना है, मतलब कि आप इन चावलों को बीच में चेक कर लीजिएगा कि ये बस
थोड़े से पकने चाहिए, थोड़े से सॉफ्ट होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए वरना ये फिर बिरयानी में लेयरिंग करते वक्त टूट जाएंगे। अब हमने चावलों को अच्छे तरीके से ड्रेन करके हाफ हाफ कर लिया है। जो हाफ इस पॉट में है उसके ऊपर हम सबसे पहले सारा मटन डालेंगे। इस तरह से हम सारा मटन डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला डालेंगे। उसके बाद हम बचे हुए सारे चावल इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे। ये इस तरीके से आपको करना है। फिर हमें इसमें वापस से 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला डालना है। इस तरह से अच्छे से स्प्रिंकल करके डाल दें। फिर जो हमने प्याज निकाली थी आधी, वो इसे इसमें डाल देंगे अच्छे से। फिर इसमें पुदीना डाल देंगे अच्छे से कट करके। अब हम थोड़ा सा फूड कलर लेंगे रेड, और इसमें मिल्क मिलाकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे और इसे अच्छे तरीके से पूरे बिरयानी पे ऐसे डाल देंगे। आपको ज़्यादा नहीं डालना है वरना ज़्यादा कलर आ जाएगा। अब ये रेडी है दम के लिए, तो इसके लिड कवर करके आप इसे अच्छे से, इसके ऊपर कुछ हैवी वेसल रख के या हैवी कुछ वेट रख के इसे गैस स्टोव पर बहुत ही लो फ्लेम पे आप इसे दम पे लगा दें, कम से कम 15 मिनट के लिए। आप बीच में चेक करते रहिएगा, जब इसमें ऐसी स्टीम बन जाए तो आपको बस इसे दम से हटा लेना है, इसे और ज़्यादा नहीं रखना। ये बहुत अच्छे से बन गई है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, बट मेक श्योर कि आप इसके चावल ना तोड़ें। आपको बहुत ही हल्के हाथ से इसे मिक्स करना है, अच्छी तरीके से आप इसे मिक्स कर लें ताकि पूरा मटन और पूरा राइस एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाए। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है, बहुत लजीज लगती है ये खाने में। आप इसे रायते और सैलेड के साथ सर्व करिए, बहुत जल्दी बन जाती है, इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसी टर्न आउट हुई है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। इस बकरीद पे आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। सो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।